बोर्ड पर टाइट करके पूरा लगा दिया है, उसको बात को रहिए। गुणवत्ता में अगर कोई कमी है समझा, तो गुणवत्ता में कमी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या समझे। जो विभाग जहाँ से भी आया है वो अगर हमको बढ़िया चीज चाहिए, ये जो है तो लतर पतर वाला मामला नहीं चाहिए हमको, बढ़िया नहीं समझा। हाँ, नया शेड जो है बना है जिसमें लगभग जो है 20 मरीज जो है एट अ टाइम जो है यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। और मैं आपको जो है ताजपुर रेफर हॉस्पिटल का वो नज़ारा भी दिखाऊंगा जो अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं इसके उद्घाटन के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, ये हाल हो गया है, देख सकते हैं ये बिल्डिंग तो बनाया गया है लेकिन इसमें इतना ज़्यादा जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं आपके बिहार में ये हाल है, मतलब भ्रष्टाचार जो है सरेआम जो है आपको सामने से दिख रहा है। इसीलिए हाँ है वो खिड़की सामने का विंडो तोड़ दिए। देखिए ये जो रोड तो बन गया ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे मिट्टी वगैरह भरना चाहिए लेकिन मिट्टी नहीं भरने की वजह से यहाँ पे आए दिन जो है मरीज के जब गाड़ी लेके जब यहाँ पे लोग आते टोटो वगैरह तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, पलट जाता है। तो लगभग टूटने का चांस है इसको ना, दो आदमी अगर बैठ जाएगा तो मजबूत नहीं लग रहा है ना। तबरेज जी कमज़ोर लग रहा है, बहुत कमज़ोर पेट दिख रहा है हमको। मैंने भी देखा है चेक करके, लूज स्थिति में। इसके ठेकेदार से पूछना होगा, ठेकेदार यहाँ पर प्रभारी भी यहाँ पे है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बाबू और सब तमाम लोग हैं। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का जो हाल आप सामने देख रहे हैं, इसमें जो है काफी भ्रष्टाचार दिख रहा है सर। निश्चित तौर पे जो अस्पताल ताजपुर का निर्माण हुआ है, यह जननायक कपूरी ठाकुर के नाम से अस्पताल जाना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ का भ्रष्टाचार में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, इसकी गुणवत्ता की पूरी कमी है। जनता की आवाज आप तक। इस वक्त मैं ताजपुर नगर परिषद के जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पताल ताजपुर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है न्यू बिल्डिंग है ये कर्पूरी ठाकुर हॉस्पिटल का, और इस साइड में आप देखते हैं शेड जो है अभी जो है इसका ओपनिंग होने वाला ये बनाया गया है। और अभी अभी जो है यहाँ पे रणवीर साहू विधायक जी अब आएंगे और ओपनिंग करेंगे। भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है जो आप देख सकते हैं, बिल्डिंग का ये हाल है। नया बिल्डिंग है, एक साल से दो साल भी अभी सही ढंग से नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो है पपड़ी जो है बिल्डिंग का ये दीवारों में से जो है उखड़ रहा है, ये हाल है। ये आप देख सकते हैं ये हाल है, ये है सरकारी बिल्डिंग, ये हाल है देख सकते हैं। ये गेट पर ही आप देख सकते हैं इस तरह से, और उससे अच्छा तो ये पुराना बिल्डिंग ही है जो पुराना रेफरल अस्पताल हुआ करता था पहले उसी बिल्डिंग में जो हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसमें जो है सारा काम होता है। लेकिन ये हाल है आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे ऊपर जाइए, ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये तमाम देख सकते हैं, ये तमाम जो है ये पपड़ी जो है पूरा दीवार से जो है ये सब उखड़ रहा है, ये हाल है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को ये सब काम देना चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। वैसे ठेकेदार वैसे टेंडर जिनको आप लोग देते हैं उन लोगों का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा आप लोग हंगा ले कि ऐसा काम क्यों हुआ है। ये ताजपुर मैं आपको बता दूँ ना, समस्तीपुर जिला के ये ताजपुर नगर परिषद में जो रेफरल हॉस्पिटल ताजपुर है, जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल ताजपुर का ये नज़ारा है दोस्तों। ताजपुर नगर परिषद में इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का ये हाल है और नया बिल्डिंग है, और उसमें आप देख सकते हैं इस तरह का सामने देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं आपके बिहार में ये हाल है, मतलब भ्रष्टाचार जो है सरेआम जो है आपको सामने से दिख रहा है, ये हाल है। और अभी अभी अभी, अभी यहाँ पर जो विधायक जी आने वाले हैं उनसे भी हम ये सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों काम हुआ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह का वो जो है दीवारों में से जो है पपड़ी झड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये दीवार का जो है ऊपर से लेके नीचे तक, ये देख सकते हैं सही तरीके से जिसको उद्घाटन भी नहीं हुआ और उसके बाद जो ये हाल है आप देख सकते हैं। बस इसमें काम चल रहा है तो चल रहा है। और ये जो रोड देखे हैं ये तो विधायक के फंड से ये बना था लेकिन इसमें जो है एक काम नहीं हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रही है। ये देखिए ये जो रोड तो बन गया ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे मिट्टी वगैरह भरना चाहिए लेकिन मिट्टी नहीं भरने की वजह से यहाँ पे आए दिन जो है मरीज के जब गाड़ी लेके जब यहाँ पे लोग आते टोटो वगैरह तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, पलट जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है इस शेड में जो है लगभग 10 जो है बेड लगाया गया है जो कि मरीजों को जो है एक समय में जो है 10 मरीज को यहाँ पर भर्ती कराया जा सकता है, और देख सकते हैं आप। लेकिन अब देखना ये है कि कितना मजबूत है ये सब, ज़्यादा अच्छा तो दम नहीं लग रहा है, मजबूत तो नहीं लग रहा है, ये सब हिल रहा है देख सकते हैं आप।
पूरा टाइट भी सही से नहीं किया हुआ है। ये बाथरूम का भी व्यवस्था है इधर, उधर जो है हाथ के बेसिन वगैरह है उधर। बैठिए। हाँ हाँ, ऊपर में आप देख सकते हैं फैन भी जो है लगभग 4x8 लगा हुआ है इसमें। साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है स्टाफ के लिए जो है यहाँ पे केबिन है, और इधर जो है बेसिन वगैरह है हाथ पे हाथ वगैरह धोने के लिए। दूसरी तरफ ये दूसरे साइड में भी जो है यहाँ पे 10 बेड इधर भी लगा हुआ है, यानी कि 10x20 आदमी जो है एट अ टाइम इस पूरे शेड में जो है ठहरा जा सकता है। और दोनों में जो सेम वैरायटी सेम चीज़ें लगी हुई हैं दोनों साइड। अभी मैं उधर था, अब उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ। अब देख सकते हैं ये टोटल जो है 20 जो है इसमें बेड्स लगा हुआ है। हमारे यहाँ देख सकते हैं रेफरल हॉस्पिटल ताजपुर के जो है प्रभारी साहब हैं, और यहाँ के जो है अकाउंटेंट भी हैं और बड़ा बाबू, तमाम लोग जो है यहाँ पे अभी देखते हैं निरीक्षण कर रहे हैं। बस हेल्थ मैनेजर साहब है सामने, और तमाम और भी जो है यहाँ के गणमान जो नेता लोग हैं वो भी लोग भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी जो हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह जो है अभी उद्घाटन से पहले पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं तबरेज़ आलम जी भी हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। कमज़ोर है बिल्कुल, सबसे पूछना होगा भाई इतना दो आदमी बैठेगा तब तो गिर जाएगा। बहुत ही निम्न स्तरीय कार्य जो है हुआ है। सुजीत जी आप देख सकते हैं सामने निरीक्षण कर रहे हैं उद्घाटन से पहले सभी सामानों सभी चीज़ों का, कि जो है लोग इतने गड़बड़ हैं जो भी। ये देखिए बाहर तरफ से जो है ये बाथरूम का जो है मेरे ख्याल से जो है गेट तोड़ के इसमें जा आकर जो है बाथरूम वगैरह किए होंगे, इसीलिए जो है वो खिड़की सामने का विंडो तोड़ दिए। देखिए बाउंड्री भी होना ज़रूरी है इसमें, बाथरूम वगैरह का व्यवस्था है इसमें, नहाने के लिए गुसलखाना वगैरह इधर जो है, लैटरिन है इधर, बाथरूम है, सभी चीज़ें लोग हैं। आप देख सामने देख सकते हैं विधायक रणवीर साहू भी पहुँच चुके हैं और अभी अभी जो है इसका जो है ओपनिंग करेंगे। आइए हम उनसे देखते हैं कैसे ओपनिंग होता है और क्या सब कुछ कहते हैं। रुके, हाँ एक मिनट। देख सकते हैं यहाँ पर जो है विधायक रणवीर साहू जी पहुँच चुके हैं और अभी अभी जो है उन्हें तिलक लगाया जा रहा है और अब जो है इस शेड का जो है ओपनिंग करेंगे रिबन काट कर। अब देख सकते हैं जो यहाँ के जो स्टाफ है उनके द्वारा जो दिया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं तबरेज़ आलम जी और तमाम इधर के जितने भी लोग हैं जो RJD के वो सब समाज और भी नज़र आ रहे हैं और प्रभारी भी यहाँ पे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बाबू और सब तमाम लोग हैं। अब देखिए अंदर जाकर जो है निरीक्षण करेंगे इस नए शेड का और जितने भी इसके अंदर जो बेड्स वगैरह हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस 20 आदमी वाले जो शेड है इसमें जो है निरीक्षण करते हुए प्रभारी है साथ में और बड़ा बाबू है हॉस्पिटल के विधायक जी हैं और तमाम लोग जो है बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं तमाम लोग जो है इस उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं विधायक जी जो ओपनिंग करने के बाद बोर्ड को देखते हुए। आइए जानते हैं सर यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का जो हाल आप सामने देख रहे हैं इसमें जो है काफी भ्रष्टाचार दिख रहा है सर। निश्चित तौर पे जो अस्पताल ताजपुर का निर्माण हुआ है या जननायक कपूरी ठाकुर के नाम से अस्पताल जाना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ का भ्रष्टाचार में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है इसकी गुणवत्ता की पूरी कमी है और इसको लेके हम आने वाला जो सत्र है शीतकालीन सत्र उसमें हम उठाने का काम करेंगे। अभी यहाँ पे 20 मरीज के लिए जो शेड बनाया गया है कैसा महसूस कर रहे हैं देख के यहाँ पे ओपनिंग हुआ? खुशी का बात हुआ, जुम्मा का दिन था ना तो बहुत बड़े तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन जैसे सुन रहे हैं लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं कि भाई विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है जिससे लगभग लोगों को इससे जो है सो फायदा ही फायदा मिलेगा। तबरेज़ भाई कैसा लगा ये?
यहाँ पे शेड बना जो है इसमें हमको लगता है गुणवत्ता की बहुत कमी है। इस तरीके का निर्माण जो है होना चाहिए मरीजों के लिए, लेकिन जो हमने देखा है जो भी ठेकेदार इसको बनाए इसमें गुणवत्ता की बहुत कमी है। बेड बहुत कमजोर है, बिल्डिंग भी कमजोर दिख रहा है। सर दो शब्द आप दी, हम क्या बोले, हम तो हमको जो मिला है वही काफी उसी से काम चलाना है। फिर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे। ठीक आगे अब जो है सब अगर चीज कमजोर हो जाएगा, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुणवत्ता में अगर कमी है तो फिर दिक्कत है। जिस विभाग से जहाँ से लिया गया नोट बोर्ड पर टाइप करके पूरा लगा दिया है उसको बात कर रही है। गुणवत्ता में अगर कोई कमी है समझा, तो गुणवत्ता में कमी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या समझे। जो विभाग जहाँ से भी आया है वो अगर हमको बढ़िया चीज चाहिए, ये जो है तो लटर पटर वाला मामला नहीं चाहिए हमको, बढ़िया नहीं समझा। हाँ ये चाहिए, नहीं तो भाई हम लोग इसके खिलाफ जो इस विभाग से भी आया है उसके खिलाफ फिर हम ऊपर प्रशासनिक हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सब अच्छी बात नहीं है, मजबूत होना चाहिए ये सब चीज समझा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।